भगवान बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन दर्शन का जनजीवन पर अमिट प्रभाव रहा है। आइए जानते हैं वे कौन सी चार घटनाएं थी जो सिद्धार्थ को संसार में बांध कर न रख सकी। पहली, वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। चार आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार के सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? उन्हें प्रसन्न चित्त सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया।